झारखंड बिहार से लेकर दिल्ली तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है, जहां झारखंड में जेएमएम के डिफेक्टो हेड हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ईडी की रडार पर हैं। दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता पहले से ही जेल में हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट में पेश होने का समन जारी हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनावों के पहले ईडी के इस एक्शन से इंडिया गठबंधन के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों पर ही इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं नींव टिकी हुई है, और अगर क्षेत्रीय दलों के जो बड़े नेता हैं, जो बिग फेसेस हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर कैंपेन से लेकर चुनावी रणनीति इंडिया ब्लॉक के लिए कौन बनाएगा, कैसे इस रणनीति को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये तमाम जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, उस पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अहम बात यह है कि विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि सेंट्रल एजेंसीज यानी कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को लोकसभा चुनावों में प्रचार करने से रोकने के लिए किया जा रहा है, और ऐसा बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि इंडिया ब्लॉक असल में करप्ट लीडर्स का करप्शन को बचाने का एक प्लेटफॉर्म था और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से ईडी का एक्शन झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की रणनीति और चुनाव की स्ट्रैटेजी पर भी पड़ेगा। वीडियो सहयोगी अजय ठाकुर के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली